क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हाउ टू रीड ड्राइंग्स। तो यहां पर जो हम ड्राइंग दिखा रहे हैं आपको वो है एक स्क्वायर प्लेट जिसको जो है कास्टिंग मटेरियल से बनाया है। और इस ड्राइंग को सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। देखो सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। यहां पर दिया यूनिट एमएम में जो है हमारी इसकी जितनी भी डायमेंशन है वो सब एमएम में दी हुई है। सेकेंड नंबर पर दिया है मेटेरियल एल्यूमिनियम अलॉय A365 और इक्विवेलेंट, मतलब कि जो मटेरियल का ग्रेड है वो एल्युमिनियम अलॉय का है और इसका जो स्पेसिफिकेशन नंबर है A356 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो मास है अप्रोक्सीमेट मास यहां पर दिया है क्योंकि ये रफ जो है कास्टिंग से जो बना रहे हैं इसको, इसलिए इसका जो रफ वेट जो है 10.7 है, फिनिश का जो है अलग रहेगा, ठीक है। तो सरफेस फिनिश जो रहेगी इसकी 6.3 की रहेगी। यहां पर सरफेस फिनिश का जो साइन है वो दिया हुआ है कि जहां पर अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी है यानी सरफेस फिनिशिंग जहां पर डायमेंशन नहीं मांगी हुई है वहां पर हमको जो मेंटेन करनी है मिनिमम वो 6.3 की है, ठीक है। अब पांच जो दिया है पार्ट टू बी T6 T61 यानी जो हीट ट्रीटमेंट हमको देना है वो इस टाइप का देना है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो है 180 मेगापास्कल जो है रहेगी, ओके। तो ये तो होगी स्पेसिफिकेशन। अब ड्राइंग के बारे में देख लेते हैं कि ड्राइंग में कुछ और चीजें दी हुई हैं। तो यहां पर देखिए बेस प्लेट है 100 mm की, आईडी जो दे रखी है इसकी 40EC, ठीक है, टैग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट जो है इसके लिए बनाया हुआ है। दूसरा है टॉलरेंस देख लेते हैं। टॉलरेंस यहां पर दिया हुआ है अगर ड्राइंग में कहीं पर भी कोई डायमेंशन दी हुई है और जिसमें टॉलरेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमको जो टॉलरेंस जो है मानना है वो ये रहेगा 0 से लेकर 305 के बीच की डायमेंशन रहेगी अगर, तो वहां पर अपने को टॉलरेंस मान के चलना है कि प्लस माइनस का 0.8 वैल्यू है, इतनी लिमिट में हमको बना सकते हैं। इससे ज्यादा होगी तो जो वर्कपीस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज इसमें दी हुई है। अब अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है ये चीज तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि अब यहां पर देखो ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने 190.6, मतलब 190.6 यहां तक होनी चाहिए, टॉलरेंस लिमिट नहीं दे रखी है यानी यहां पर नहीं दी हुई है टॉलरेंस लिमिट, तो हमको जो माननी है वो ये रहेगी 0.8 प्लस में भी जा सकते हैं, 0.8 जो है माइनस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 190.6 प्लस 0.8 तो हो जाएगा 191.4, मतलब अगर 191.4 भी अगर ये बन जाती है वैल्यू तो भी इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज इसमें टॉलरेंस लिमिट दे रखी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पर इतनी बना देनी है, ठीक है, ये नहीं करना है। अगर आ जाती है बाई चांस तब भी ये पीस जो है रिजेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये चीज दी जाती है टॉलरेंस, ठीक है। इसी तरह से यहां पर दिया है 305 से लेकर 610 के बीच में अगर रहेगी, 305 to 610 के बीच में रहेगी तो फिर ये टॉलरेंस लिमिट जो है 1.6 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे दी हुई है, जैसे कि यहां पर दी हुई है 352.7 ये जो वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर जो टॉलरेंस की लिमिट रहेगी 1.6 की रहेगी, प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी ये वैल्यू जा सकती है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है ड्राइंग की जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि कितने रिवीजन आ चुके हैं वो चीज इसमें यहां पर दी रहेगी। 5 और 6 नंबर जो चीज है ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है June 23, 2010 को जो है इसका मॉडिफिकेशन किया गया था, ठीक है। इससे पहले की ड्राइंग अगर कोई है तो वो आपको उस डेट में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए
अब हम इसको ड्राइंग को रीड करने की कोशिश करेंगे कि ये ड्राइंग में क्या हो रहा है। तो देखिए, ये हमारा जो है 3D वर्क पीस है। 3D वर्क पीस की डायमेंशन हमें यहां पर नहीं दिख रही है, तो 3D वर्क पीस की डायमेंशन जो है हम यहां पर देखेंगे इस साइड। देखिए, ये इसका टॉप व्यू है। अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमको ये वर्क पीस इस टाइप से दिखाई देगा। तो इसकी जो डायमेंशन है देख लीजिए, 381 जो है मैक्सिमम डायमेंशन है इस डायरेक्शन में, और 381 जो है इस डायरेक्शन में, यानी कि एक स्क्वायर वर्क पीस है। और इसका जो साइड व्यू है, साइड व्यू देखिए, ए सेक्शन, ए बाई ए सेक्शन है ये बी बाई बी सेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो सर्कल का डाया है, यानी जो यहां पर देखिए आप, ये हमें चार होल करने हैं। ठीक है, इन चार होल का जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस रहेगी वो 339.9 रहेगी। ठीक है, तो इसमें टॉलरेंस भी थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, ये वेरी कर सकता है। तो ये एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस यहां पर दी हुई है। ठीक है, दूसरा यहां पर दिया है 169.9 जो है इसके सेंटर, यानी वर्कपीस का जो सेंटर है उससे जो लाइन जा रही है, और इस होल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है 169.9 रहेगी। ठीक है, जब इसका क्वालिटी चेक होगा तो ये सारी डायमेंशन जो है चेक हुआ करती हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज दी हुई है यहां पर, तो ये सब मेंटेन करके चलना है। अब यहां देखिए, यहां पर इस होल का जो डाया रहेगा वो देखिए 22.4 का रहेगा, और चार होल करने हैं यहां पर देखिए, तो इसलिए यहां पर 4x दे रखा है। ठीक है, तो R10 का जो है यहां पर देखिए कॉर्नर रेडियस है, जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए R10 जो है इसके एज से रेडियस जो है R10 की मेंटेन करनी है, और चारों कोनों पे करनी है, इसलिए यहां पर 4x दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आपको 4x दिख जाए यहां पर, तो मतलब कि चार जगह पे करनी है। तो ये एक चार कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर देखते हैं, यहां पर दे रखी है टेपरनेस। टेपरनेस दे रखी है 3 डिग्री की यहां पर कॉर्नर पे देखिए, यानी जो इसकी साइड रहेगी इसमें अगर हम टेपरनेस की बात करें तो 3 डिग्री की टेपरनेस अलाउड है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर देखिए, ये जो राउंड एज है यहां पर 2 mm का जो है राउंड एज रहेगा, यानी G02 का यूज करके आप यहां पर बना सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी यहां पर। ठीक है, जब मशीनिंग करोगे तब इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहां देखते हैं तीसरा सेक्शन देखते हैं। तीसरा सेक्शन में आपको दिखेगा कि ये एक सर्कल है सेंटर में, ये मेंटेन करना है। इसमें हमें ड्रिल कर रहे हैं, और ड्रिल करने के बाद जो है इसमें टैपिंग करनी है। टैपिंग करनी है M8 × 1.25 की, और 8 होल करने हैं। 8x दिया है तो यहां पे 8 होल करने हैं। ठीक है, ऑन 192 mm, जो 192 mm का जो सर्कल है उसकी BCD पर करने हैं। ठीक है, और 20 mm जो है इसके बीच की डिस्टेंस है होल टू होल। ठीक है, ये दी हुई है इसमें डीपी, डायमेट्रिक पिच। ठीक है, 20 mm की इसकी डायमेट्रिक पिच है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और इसके सेंटर से यहां जो साइड में एक हाफ सर्कल जो बनाया है, सेमी सर्कल जो बनाया हुआ है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो जो है 122 है, ये मेंटेन करनी है। तो ये क्लियर हो गया। और यहां पर देखो एक चीज और, इस वाले सरफेस पर, ये जो सरफेस दे रखा है इस पर जो है 3.2 की जो है फिनिशिंग जो है मेंटेन करनी है, यानी बिल्कुल फिनिश सरफेस हमको बनाना है। ये चीज क्लियर हो गई, ये बेसिक चीजें हैं, ये चीज दे रखी है इसमें। ठीक है, अब हमें जो है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखना है। क्रॉस सेक्शन व्यू समझने के लिए हम जो सेकेंड ड्राइंग में आएंगे, तो सेकेंड ड्राइंग में देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज दे रखी है। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, क्रॉस सेक्शन व्यू में देखते हैं। अब बहुत सारी चीजें जो है
छोटी छोटी दे रखी हैं, तो इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जूम इन जूम आउट जो ऑप्शन रहता है उसको ड्राइंग में अलग से स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहां पर देखो, अब इसमें देखते हैं कि इसको कैसे देखना है। देखो ये सर्कल जो बनाया हुआ है एक, इसको ए नाम दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन ए, ठीक है। तो इसकी जो डिटेल रहेगी वो सेक्शन ए में दी रहेगी, और ये जो सर्कल बनाया हुआ है इसकी डिटेल रहेगी सेक्शन सी में दी रहेगी, और ये वाला सेक्शन रहेगा इसकी सेक्शन की डिटेल रहेगी एफ में। तो ये कैसे रहेगी ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कहां पर दिखाया गया है। देखिए इसके अंदर का जो डाया मेंटेन करना है वो है 99 का, ठीक है, सेंटर में। उसके बाहर ये वाला जो ग्रूव बना हुआ है, तो पहले मैं इसको ग्रूव को दिखाता हूं तब आपको क्लियर होगा। अब ये देखो सेक्शन ए जो है, जो सर्कल हमने ये बनाया है, इसको दिखा लेते हैं आपको कहां पर है। ये जूम इन करके जो है यहां पर दिखाया है, ये ग्रूव है, एक ग्रूव है, इसमें कॉर्नर की जो रेडियस रहेगी R6 की रहेगी, ठीक है, और इस पे जो मशीनिंग सरफेस मेंटेन करना है 6.3 का जो है मेंटेन करना है सरफेस फिनिश, ठीक है। पैरेललिज्म जो रहेगा इसका 0.2 का रहेगा फ्रॉम ए, ए से, यानी ए होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला रेफरेंस प्लेन है इसके लिए, यहां पर दिखाया है ए। इस प्लेन से जो है पैरेललिज्म जो है इसका जो है इस वाले फेस से मेंटेन होगा, तो मेजर किया जाएगा इस फेस से, ठीक है। तो फिक्सचर डिजाइन करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके लिए कि ये चीज है इसके फिक्सचर में मेंटेन हो जाए, यानी वर्कपीस जो है बिल्कुल टेढ़ा ना रहे। तो फिक्सचर डिजाइन के टाइम पे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। और इसमें 63 जो है, अब सेक्शन सी देख लेते हैं। ये सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी को देखते हैं यहां पर। ये देखिए यहां पर जो सेक्शन सी के लिए ये वाला रिसेस बनाया हुआ है, इसमें जो डायमेंशन रखनी है 15 + 0.26 की, ठीक है, मतलब प्लस में जो है टॉलरेंस इसका अलाउड है, माइनस में नहीं अलाउड है, मतलब इतना कम नहीं होना चाहिए, वन यूनिडायरेक्शनल है सेक्शन सी। यहां पर देख सकते हो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये मेंटेन करनी है। अब दिखाते हैं सेक्शन डी। ये देखिए सेक्शन डी है ये वाला, इसको जूम इन करके यहां पर दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। रेडियस दे रखी है 5.5 की, ठीक है, R1 जो है कॉर्नर पे रेडियस दे रखी है। तो ये प्रोग्राम में जब हम मशीनिंग करेंगे तो उसमें ये चीज बना के रखेंगे, या फिर हमें जो है अलग से सेटअप लगाना पड़ेगा इसके लिए कॉर्नर एज राउंडिंग के लिए, ठीक है। इससे बेटर है कि हम इसे प्रोग्राम में पहले से ही डाल दें जब हम 3D प्रोग्राम बनाएंगे इसका, तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं एफ सेक्शन। ये हमारा जो है एफ सेक्शन है, ठीक है, तो एफ सेक्शन यहां पर दिखाया हुआ था हमने। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है एफ, इसको जूम आउट करके हमने, इसको जूम इन करके हमने यहां पर दिखाया है। देखिए R5 जो है ये वाली रेडियस हमको मेंटेन करनी है, ठीक है, और एंगल जो रहेगा 3 डिग्री का इसमें जो है एंगल रहेगा फ्रॉम द स्ट्रेट, मतलब थोड़ा सा टेपरनेस हमको देनी होगी यहां पर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना है, ये चीज इसमें दी रखी है, ये कस्टमर ड्राइंग है एक्चुअल में। और ये जो है एंगल इसका दिया हुआ है 24.9 डिग्री, मतलब ये काउंटर शिंकिंग जो करेंगे हम 24.9 डिग्री का जो है हमको काउंटर शिंकिंग यहां पर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, वो हम जो है देखेंगे कि कौन सा टूल हम इसमें यूज कर सकते हैं। और ये जो रेडियस है अंदर जो हमने एक सेक्शन दिखाया था आपको, ये थ्री डी में ये वाला, इस सेक्शन को जो है सेक्शन ई जो है इसको हमने यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिखाई हुई है, रेडियस जो रहेगी इसकी 25 की रहेगी, ठीक है। तो आई होप
बेसिक बेसिक चीजें जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कवर कर दी हैं। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ, सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो ड्राइंग है इसको कंप्लीट बनाने में 3 महीने का टाइम लेते हैं पार्ट डेवलपमेंट के, तो मिनिमम टाइम जो रहेगा वो हमारा यही रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये कितने सेटअप में बन जाएगा। ये जो प्रोग्राम बनेगा 2 CNC टर्निंग और 2 VMC मशीन के सेटअप में बन जाएगा अगर हम इसे मास्टर कैम से इसका प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो। बस हमें इसकी जो ड्राइंग है वो हमें मास्टर कैम में इसको बनाना होगा, बट अगर हम इसे नॉर्मल प्रोसेस से बनाएंगे इस वर्कपीस को तो इसमें करीब लगेंगे 6 से 8 सेटअप लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने क्वेश्चंस हमें फटाफट पूछिए और भेजिए अपने क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।